जी चलिए। हाँ मित्रों नमस्कार। जैसा कि हम अभी भदौरिया कृषि फार्म धुमरा डी पे चलते चलते अब हम एक प्लाट पे आ गए हैं जहाँ पर कि धान कटने के बाद फिर इसमें अक्टूबर बुआई हुई थी। अक्टूबर बुआई में इसमें जो सह फसल के रूप में अंता फसल के रूप में सरसों की खेती इसमें ली गई थी, सरसों की फसल ली गई थी। इसमें ट्रेंच विधि में इसकी जो दूरी है 1.5 और 3 रखी गई थी, लाइन से लाइन 3 और 2 छोटी लाइनों के बीच में 1.5 फीट की दूरी रखी गई थी। तो इस दूरी के आधार पे इसमें जो आप गन्ना देख रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर आसपास 150 खेत और उसके बाद आसपास गांव में भी ऐसा फसल जो अक्टूबर बुआई का आपको शायद ही मिल पाएगा। और साथ में ही यहाँ पर कुछ प्लाट आपको आसपास दिख रहे हैं, इन प्लाट में हमारा ही जब धान कटा था उसी समय इसमें लाही बो दी गई थी। हमने अक्टूबर बुआई करके लाही बोई थी अंता फसल के रूप में, और जो अन्य प्लाट कटे थे उनमें सीधे लाही बो दी थी। लाही की फसल के बाद उन्होंने बसंतकालीन गन्ना बोया, लेकिन हमने अक्टूबर में ही गन्ना बो करके और उसके बीच लाही अंता फसल के रूप में रखा था। आज के डेट में अगर आप देखोगे तो हमने जो लाही की पैदावार आप ये लगभग 50 किलो एक बीघे में, यानी कि 50 किलो 15 × 75 साढ़े सात कुंटल पर हेक्टेयर लाही की फसल हम यहाँ ले चुके हैं इसमें। उसके बाद जो गन्ना खड़ा है, जिस गन्ने में हम 80 कुंटल पर हेक्टेयर की उम्मीद करते हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है? बिल्कुल सर, 80 कुंटल पर हेक्टेयर गन्ना निकलेगा। लेकिन जो आसपास हमारे ही साथ जो खेत चले थे उनमें 60 के आसपास एवरेज आने की स्थिति लग रही है। तो अगर हम 20 कुंटल पर बीघा ज़्यादा गन्ना ले करके और लाही भी हम प्राप्त कर रहे हैं, 50 लाही भी 7.5 कुंटल पर हेक्टेयर तैयार प्राप्त कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर टोटल आप इसका जोड़ घटाना लगाएंगे तो एक अच्छा खासा फायदा इस पद्धति से, यानी कि अक्टूबर की बुआई के बीच में लाही बोने से एक अच्छा फायदा निकल के सामने आता है। यहाँ पर हम खड़े हैं, ये हमारा 1 हेक्टेयर का पूरा प्लॉट है। तो 1 हेक्टेयर में हम कितना ज़्यादा फायदे में रहेंगे अनुपम जी? अगर हम 1 हेक्टेयर की बात करें तो 20 कुंटल अगर पर बीघा पड़ रहा है तो 15 × 300 कुंटल और 300 कुंटल की लगभग 1 लाख रुपये जी, 1 लाख रुपये हमें पर हेक्टेयर में ज़्यादा मिल रहा है, बजाय जो दूसरी पद्धति, जो पुरानी पद्धति कि हम लाही के बाद ही गन्ना बोएंगे, ये मेरे ख्याल से बदलाव होना चाहिए। क्योंकि जो पारंपरिक तरीका चलता आ रहा है उसी को निरंतर हम अपनाते रहने से कहीं ना कहीं से नई चीज़ से हम अनभिज्ञ हो जाते हैं। कई बार नई चीज़ में फ़ायदा ज़्यादा होता है, हम पुरानी ही चीज़ पे चलते रहते हैं डर के मारे, संकोच के मारे, समाज से लड़ ना पाने के मारे, किसी भी चीज़ के मारे में हम पारंपरिक चीज़ों पे ही चलते रहते हैं। मेरे ख्याल से ये स्थिति बदलनी चाहिए और हमारे लखीमपुर के किसान भाइयों को अपना अक्टूबर बुआई का एरिया बढ़ा करके उसके बीच अंतर फसल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा भी इसका एक फ़ायदा है, अगर किसान अक्टूबर बुआई ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा क्षेत्र बढ़ जाएगा, तो हमारे केंद्र कमिश्नर महोदय से भी एक प्रस्ताव हमने बात की है, पास हो सकता है कि वो अक्टूबर बुआई जब ज़्यादा हो जाएगी तो फैक्ट्री या चीनी मिल हमारी सितंबर में चल जाएगी, लास्ट सितंबर या अक्टूबर प्रथम सप्ताह में चल जाएगी और हमारी पेराई मार्च अप्रैल तक ना जा करके फरवरी तक हो जाएगी। तो हम सूख से भी बच जाएंगे, ड्राइज हमारी नहीं होगी, हमारा फ्रेश माल जाएगा, इससे गन्ना सूखेगा नहीं, उत्पादकता हमारी ज़्यादा निकल करके आएगी
मैक्सिमम हमारी उत्पादकता का कारण ये भी है कि हमारी फैक्ट्री है जो चीनी मिल जो ये मार्च अप्रैल तक चलती है और मार्च अप्रैल में बहुत ड्राइज होती है। तो मित्रों हम आह्वान करेंगे आप सबका कि आप सब भी इस पद्धति की को अपना करके और अक्टूबर बुआई का एरिया ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ और लाही और गेहूँ इनकी सह फसली करें। मैक्सिमम क्या होता है कि हमारा कृषि विभाग गन्ना विभाग सह फसल के रूप में उड़द मूंग सब्जियों को ज़्यादा जोर देता है, लेकिन हमारे यहाँ लेबर की प्रॉब्लम होने के कारण हम सब्जी नहीं बो सकते, नहीं संभव है गन्ने के बीच में। गन्ने में भी लेबर की रिक्वायरमेंट, फिर सब्जी में भी इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कि वो असंभव स्थिति हो जाती है। लेकिन अगर हम लाही और गेहूँ बोते हैं तो लाही गेहूँ में हम कंबाइन से कटाई करवा लेते हैं और हमें लेबर की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मित्रों मैं यही कहूँगा कि डरे नहीं, अक्टूबर बुआई जरूर करें और उसमें लाही और गेहूँ पैदावार करें। और हमने उधर गेहूँ का भी खेत है और ये लाही का भी खेत है, लाही में परिणाम ज़्यादा अच्छा आया है, इसलिए लाही को हम अवगत करा रहे हैं और आगे आपको इसको फ़ायदा मिलेगा। हमारे बीच सीतापुर से हमारे छोटे भाई अनुपम सिंह जी आए हैं, अनुपम सिंह शेखावत जी, वो आपको इस पद्धति के बारे में आपने जो देखा है कितनी अच्छी फसल है लाती है इसके बारे में अपने विचार बड़ा बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताएंगे ताकि आप तक इनका भी विचार पहुँच सके। आप आज हम अपने बड़े भाई विनीत दादा की प्लॉट पर इसमें खड़े हैं, बहुत अच्छा लगा हमको देख के और हर चीज़ जमाव भी बहुत अच्छा है और खाप भी जो गन्ने की है वो भी बहुत अच्छी हमको लगी और बहुत सिस्टम बहुत अच्छा लगा हमको विनीत दादा का, बस ये कहना चाहता हूँ। नहीं ये और जो दूरी भी है सिस्टम से 3x1.5 ये भी बहुत अच्छी लगी हमको, बहुत फर्स्ट क्लास फसल चल रही है क्या आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100% बिल्कुल बिल्कुल आप इस विजन मिशन में हाँ आप बिल्कुल लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। आप महोदय आप बताएं क्या आपको लगा? नमस्कार मित्रों, हमारा तो बस यही कहना है कि हम तो अक्टूबर की बुआई 110% करना ही चाहेंगे, जिससे कि हमें इतना देखने को मिला है, इतना फायदा है, इसमें गेहूँ भी पैदा हो सकता है, सरसों भी पैदा हो सकता है, अधिक से अधिक मात्रा में हम कोई भी फसल अगर डाल रहे हैं तो वो हमें प्राप्त हो रही है। तो इसलिए हमारा मित्रों कहना है कि अक्टूबर की बुआई जल्द से जल्द और अधिक से अधिक करें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, ये जो ट्रेंच विधि है इसमें जो उपज है वो प्रति हेक्टेयर अधिक होता है। लमसम ये जो 1 हेक्टेयर खेत है इसमें 300 क्विंटल प्रति 300 क्विंटल की उपज ज़्यादा हो रही है और उसमें प्लस सरसों जी भी हमें 7.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला। देखो मित्रों ऐसा है कि मिश्रित खेती बहुत अनिवार्य है जिससे कि डबल प्रॉफिट होता है और ये डबल प्रॉफिट होता है इससे किसान जल्दी जो है लाभान्वित होगा। किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो जो है शरदकालीन गन्ने की बुआई करें और उसके साथ में सह फसली करें। हमारे देश के जो पीएम मोदी जी हैं उनका भी कहना है कि किसान भाइयों को जो है उन्नति के मार्ग पर लाने के लिए यही एक मतलब रास्ता है कि हम सह फसल जब करेंगे तो उसमें एक लागत में 2 फसलें प्राप्त होंगी जिससे कि हमारी एक फसल की जो लागत है वो बचेगी और जो शरदकालीन गन्ने की बुआई है उस गन्ने में कोई बीमारी नहीं लगती है। जैसा कि आप देख रहे हैं प्लॉट में कोई भी पौधा आपको सूखा या किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही है। इसलिए सभी किसान भाइयों से हमारा यही अनुरोध है कि वो शरदकालीन गन्ने की बुआई करें और उसके साथ में कोई सह फसल ज़रूर लें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम ग्राम धुबरा में विनीत सर जी के फार्म पर आए हुए हैं और विनीत सर जी के इस फार्म हाउस को देख करके बड़ा ही दिल खुश हो गया क्योंकि हमारे किसान भाई अभी तक जो गन्ने की बुआई करते थे वो गेहूं काट लेने के बाद या लाही काट लेने के बाद बोते थे, लेकिन सर ने अपने खेत में अक्टूबर में ही गन्ना बो दिया था और अक्टूबर के जो महीने में गन्ना बोया जाता है उसमें अधिकतर रोग लगने के चांस 0 के बराबर रहते हैं। इसलिए किसान भाई अक्टूबर के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना बोएं और उस गन्ने के साथ में एक दूसरी फसल भी बो लें जिससे एक ही समय में दोनों की फसलें
धीरे धीरे तैयार हो जाएंगी, जिससे किसान भाइयों को अपनी भूमि में कम लागत लगानी पड़ेगी और पैदावार अच्छी हो जाएगी। यही एक तरीका है जिससे हम बेरोजगारी से भी छुटकारा पा सकते हैं। मैं एक वेस्टीज कंपनी में भी वर्क करता हूं और किसानों को सलाह देता हूं कि अगर किसान भाई अपनी अच्छी फसल लेना चाहते हैं और लागत कम लगाना चाहते हैं तो मेरा एग्री ब्यासी और एग्री ह्यूमिक ये प्रोडक्ट आते हैं। अगर इन प्रोडक्टों को अपने खाद, अपने पानी, अपने कीटनाशक में मिला करके इस्तेमाल करें, इससे उनको लागत भी कम लगानी पड़ेगी और पैदावार भी अच्छी होगी। इसके एग्री ब्यासी और एग्री ह्यूमिक इस्तेमाल करने से हमारी जो भूमि धीरे धीरे उर्वरा शक्ति उसकी नष्ट हो रही है वो भी नष्ट नहीं होगी और हमारी भूमि ऊसर होने से बच जाएगी। इसके साथ में जो भी उस खेत में फसल पैदा होगी, अगर किसान भाई उसको भोजन के रूप में इस्तेमाल करेगा तो वो फसल उसको स्वादिष्ट लगेगी और उसके खाने से उसकी जो हेल्थ या उसके शरीर में जो भी नई नई बीमारियां बन रही हैं उन बीमारियों से वो छुटकारा पा सकता है। धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना ध्यान दिया और जिन लोगों ने देखा, हम चाहेंगे कि मैक्सिमम लोग अपने जो सोशल साइट पे है या जहाँ भी हमारी न्यूज़ जा रही है वो मैक्सिमम लोग इसको लाइक करके और कमेंट करके और इस बात करेंगे, आगे भी वीडियोज आते रहेंगे भिन्न भिन्न भदौरिया कस्बार कुमराटी पर जो भी तकनीकी चीज़ें होगी उन सबके वीडियोज आपको डालते रहेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भारत।